अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं फिश का पानी चेंज करने लगा था और खाली की एक फिश और मर गई है। आपको दिखाता हूँ, ये मेरे ख्याल सर्दी की वजह से मर गई है। ये देख कितनी प्यारी फिश थी, ये मर गई है। ये देख, ये पता नहीं सर्दी लग गई से या क्या, तो ठंड की वजह से मर गई है। बाकी सारे बॉल्स में फिशें ठीक है, ये वाली फिश मर गई। तो इनका पानी चेंज कर दिया है, अब इनको डालते हैं खुराक और इनको इनके बॉक्स में जाके रखते हैं। तो चले चले जी। तो गाइस ये है इनकी डाइट जो फिश वाले ने हमें दी थी। तो ये हम इसे रोज़ देते हैं, 24 घंटे बाद देनी होती है ये, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे बाद से देनी है। तो ये डाइट हम इसे देने लगे हैं। तो ये अब खाली तो गया हुआ स्कूल, तो मैं इसको डाइट दे देता हूँ। ऐसे दो चुटकियाँ डालनी होती हैं। और ये देखें, ये डाइट इनको दी जा रही है। ये बड़ी मछलियाँ हैं तो इनको थोड़ी सी ज़्यादा दे रहा हूँ, वो छोटी थी इनको थोड़ी सी कम दी थी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा खा लेंगे ना तो फिर भी ये मर जाएंगे, इन्होंने खाए जाना है। अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा कि वो वीडियो बनाते हैं, उनके मुँह से पता नहीं क्या कुछ निकला होता है, फिशें मरी पड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी फिशें भी। तो ये जो है ना, ये खाने से कम नहीं करती खाने को, खाती रहती हैं। जो इनकी डाइट होती है ना, इनको जो पसंद आती है वो ये खाती रहती हैं। एक तो वीडियो मैंने देखी, उसमें तो मछली ने पता नहीं कितना कुछ खाया होता, सांप वगैरह, उसके मुंह खोलता तो पता नहीं क्या कुछ निकलने लग जाता उसके मुंह से, तो वो बहुत ही जो है ना खा लेती है। एक मछली ने अपने बच्चे ही खा लिए और उसका पेट फूल गया, उसको देखा आदमी ने, मुंह उसका खोल कर बच्चे बाहर निकाले, फिर वो आसानी से सांस लेने लगी, फिर उसको पानी में छोड़ दिया। तो इसलिए जो है ना, इनको कम देते हैं डाइट वगैरह हिसाब से जैसे उन्होंने बताया था, तो ये ठीक रहती हैं। और रोज़ाना 24 घंटे बाद इसका पानी चेंज करते हैं, ठीक है। अब इनका पानी चेंज कर दिया है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है ना फिश देखें, ये इनमें से एक फिश मरी है, आगे कल कैमरा दिखाते हैं, इनमें से एक फिश मरी है। ये देखें कितनी प्यारी फिश है, कलर इनका देखें। तो अभी पानी चेंज किया है, इनमें से तो पहले तीन मर गई हैं, तीन रह गई हैं, छः थी ये चार थी और ये भी चार थी, ये माशाल्लाह चार की चार हैं, ठीक है। इनको डाइट डाल दी है, ये भी चार की चार है, माशाल्लाह सही है, ज़बरदस्त है। और अब मैं आपको ना लाइट जला के दिखाता हूँ जो खालिद को लेके दी थी मैंने। तो ये डाइट इनकी यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। और लाइटें यहाँ भी रखी हुई हैं, वो जब पानी चेंज करते हैं ना तो वो लाइटें उठा लेते हैं, ठीक है। तो फिर खालिद आता है और लगा के इसको रात को जो है ना चला देता है। तो अभी मैं आपको लाइटें भी चला के दिखाता हूँ कि कैसे चलती हैं। ये देखें ये लाइटें चल रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये नज़दीक से कैमरे से हम दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये अल्लाह ताला के 99 नाम है, बल्कि 101 कहते हैं इसको, 101 नाम हो जाते हैं अल्लाह ताला के। तो ये ऐसा ऐसा घूम रहे हैं, नाम आगे आ रहे हैं। और ये मक्का शरीफ है, ये भी साथ साथ घूम रहा है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी सीनरी लगी है, खालिद को बहुत पसंद आई है, ठीक है। और ये देखें फिश जब लाइट चलती है ना, फिश बहुत खुश होती हैं, इधर उधर घूमती हैं। तो मैं अब आपको जो है ना इसकी लाइट बंद करके इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही है फिशेस। अब खाली का दिल खुश हो गया कि पापा मुझे जो है ना आपने ये लाइटिंग लेके दे दी है, और ये ऊपर जो सीनरी चल रही है ये भी, तो ये जो है ना माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अब जो है ना फिश हम जो है वो जो मरी पड़ी है फिश, उसको हम अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं, तो वो हमारी मुर्गियाँ खा जाएंगी। तो
तो अब चलते हैं छत पे मुर्गियों के पास और बाकी जानवरों को भी खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये फिश ले आया हूँ जो मरी पड़ी थी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि किस मुर्गी के नसीब में आती है। एक ही बात है, सही बात है, तो गाय की आवाज़ पता नहीं कैसी आई कि समझ नहीं आई किस चीज़ की आवाज़ है। मुझे लगता है किसी मुर्गी ने ना उसको पकड़ा, चूजे को, चूजे की आवाज़ निकली। तो ये मैं जो है ना मुर्गियों को फेंकता हूँ, देखते हैं कौन सी मुर्गी खाती है। इस मुर्गी को गिराते हैं, ये देखें, ये मुर्गी है ना, ये भूखी रहती है। ये देखें, वो लेगी भाग, वो भाग ही लेगी, वो वहाँ पे जाके खा रही है। वो देखें, वो निकल गई सारी, एकदम ही फिश को सारी को निकल लिया इसने। देखें सारी फिश को निकल ली इसने एक ही दम से। और ये कबूतरों वगैरह को खोल दिया, दाने डाल दिए। तो ये हमारे से प्यारे से खरगोश साथ हैं, ये बहुत उदास हो रहे हैं क्योंकि इनकी खरगोश नहीं मर गई है, ठीक है। और अब ये उदास से हो रहे हैं, उदास ना हो, मैं और लेके दूंगा तुम्हें खरगोश नहीं, ठीक है, है? उदास नहीं होना, ठीक है ना। हाँ खाओ, खाना खाओ, चलो। तो अब ये ऑस्ट्रेलियन तोते जो हैं उनको देखते हैं, इनका पानी जो है ना रात का चेंज किया हुआ। ये मैं गिरा देता हूँ इधर, यहाँ पे जो इनमें होगा ना बाजरा वगैरह वो चूजे खा जाते हैं, तो इनको पानी डालते हैं बाद में। ये हमारे चिक्स हैं, चिक्स चिक्स अब ये होशियार हो गए हैं। पहले जो थे ना छोटे थे, पहले तो मेरे सर पे चढ़ जाते थे, कभी बाजू पे चढ़ जाते थे। अब इनको पता चल गया खुराक कैसे खानी है, अभी अपने आते पास अब भागते रहते हैं। सुबह सुबह जब खोलो इनको तो उस वक्त ये जो है ना आते हैं, जब मैं खुराक दो, अब इनको खुराक डाल दिए। तो बच्चों ने पहले खोल दिए थे, मैं नीचे फिश का पानी चेंज कर रहा था। ये हमारे दूसरे खरगोश साहब हैं, ये भी नहीं अब मुझसे डरते, इन्हें पता चल गया कि हमें ये खुराक डालते हैं, वरना इनको हाथ भी लगाना था ना तो ये भाग जाते थे। अब ये देखें, ये खरगोश नहीं है, ये बच्चे देने वाली है, तो इसका पेट जो बड़ा लग रहा है ये शायद बच्चे दे। ये वाली खरगोश नहीं है ना ब्लैक, ये खरगोश है, वो भी खरगोश है, वो एक मादा रह गई हमारे पास, दो नर रह गए, एक मादा रह गई है ये वाली। तो ये पालक और साग और मेथी इनके जो है ना, देखें ये जो है ना इधर से लेके आते हैं, ये खुद ब खुद ही अंदर चली जाती है, इसका ये घर है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको जो है ना इसका जो है इसके बच्चे दे दे, खालिद बहुत खुश होगा। खालिद अब स्कूल गया हुआ है, तो ये देखिए इसको मैं खुद ही जो है नहीं पकड़ता, ये घबरा जाती है, तो इसलिए मैं इसको पकड़ता ही हूँ। ये हमारे जी कबूतर साहब है, लके कबूतर, इसकी कबूतरी से छोड़ के उड़ गई है, पता नहीं कहाँ पर चली गई, मुझे पता नहीं चला। ये जनाब साहब ने जो है ना सारी मेरी जल्दी गंदी कर दी इसने मिट्टो से। हाँ
ये ब्लैक लगे हैं, ये देखें। अभी इनको खोल दिया, ये मछलियाँ कर रहे हैं, ये देखें। तो अब चलते हैं बकरियों के पास, बकरियाँ देखते हैं हमारी क्या कर रही हैं। तो ये जी अपने छापर लगाया हुआ है ताकि इनको जो है सर्दी ना लगे बिल्कुल भी। तो माशाल्लाह ये इस तरह छापर को फोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे रस्सी बांधी है ये इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं। तो इनको जो ना मैं खोल के धूप में बांध देता हूँ, धूप निकल आई है ठीक है। इधर माशाल्लाह बहुत प्यारी निकल आई है। अब ये घास डाला होता है तो थोड़ी धूप लगी मुझे दिखाई है। तो मैं इसके साथ बांध देता हूँ, ये देखिए यहाँ तक। तो ये यहाँ बांध दिए। अब जो घास है ना, घास तो लगेगी थोड़ी सी धूप, तो फिर ये खाएंगे। तो इसको थोड़ा सा जुकाम हुआ था, इसको जाना वो सिरप ला के देता हूँ मैं, ये सिरप ही पीती है तो सिरप इसको पिलाएंगे कि ठीक हो जाएगी। सर्दी है, सर्दी केयर तो कर रहे हैं, इसको जर्सी में पहना दी है और छापर वगैरह भी लगा दिए ताकि इनको रात को ना सर्दी ना लगे। लेकिन सर्दी तो भी सर्दी होती है, मौसम जो होता है उसमें अपना असर तो दिखाना होता है। तो एक माशाल्लाह ठीक है, इसको थोड़ा सा हो गया जुकाम तो, हालांकि वो बड़ी है, ये छोटी है, बड़ी को हो गया थोड़ा सा। तो इसको जो है ना वो सिरप ला के देता हूँ मैं, सिरप वगैरह। तो ये जी हमारा प्यारा का कबूतर यहाँ पे आके बैठ गया, ये देख इसका जहाँ से दिल करता चला जाता है। और ये धीमे चिक्स कैसे मेरे पास आते हैं, तो मुर्गियाँ भी आएंगी और चिक्स भी आएंगे। चल भी तूने तो फिश खा लिया है, सालन फिश ने खा लिया, बच्चों को खा रहे चूजों को।
कबूतर तो आने गए, कबूतरों को देखते हैं, कबूतर आते हैं। ये रैबिट जो है इसको सर्दी लग रही है मेरे ख्याल है, इस रैबिट को सर्दी लग रही है। तो ये हमारे घर में जो भी सब्जी वगैरह होती है ना, प्याज लहसुन वगैरह, ये बहुत शौक से खाते हैं। ये मुर्गियाँ बहुत शौक से खाती हैं, मुर्गियाँ को कहती हैं हमें ऐसी चीज़ें डालते रहो, कट कट जाएंगे। उधर धूप में चलते हैं, यहाँ पे धूप में बैठे फिर खा दो, ठीक है? क्या समझा? लेके आए आज को, ठीक है? अच्छा लगा? ये तेरे लिए है सारा, ताज़े ताज़े प्याज के छिलके हैं, ये देखो, ये कहता हाथ से खिलाओ भाई, ये लो, खुद नहीं उठा के खाने, वाह जी वाह, बड़ा एटीट्यूड है, ये ले पकड़ इसको खा, यहाँ पे हाथ रख के खा ना, और जैसे खाता होता है यार, यहाँ पे ऐसे बैठ के खा, ऐसे, ये देख, ये होते हैं इसके स्टाइल, ऐसे बैठ के खाता होता है। अब यहाँ पे बैठे ना, धूप है, धूप अपने आप को लगवा ले, सर्दी पे उतर जाएगी, ठीक है? अब इनका जो है ना घर वो बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि पहले तीन खरगोश इसी में मर गए हैं, तो अब इनको जो है ना पिंजरे में जानवरों के साथ ही, जो हमारा ये बना हुआ ऊपर कमरा सा छोटा सा, इसमें बंद कर देते हैं सब जानवरों को ना, इसी में, तो एक दूसरे की हीट से ना ये सही रहेंगे, जैसे मौसम तब्दील होगा ना फिर इनको लाल लाल बंद कर दिया करेंगे। अभी जो है ना प्रगोशनी के लिए क्या करूँ, वो तो बच्चे देने वाली है, तो उसको इनके साथ कैसे बंद करूँ इसको यहाँ पे, इसके लिए कोई सेटअप करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पिंजरे के अंदर ही ना कोई छोटा सा ना वो बनाऊँ बॉक्स, जहाँ पे ये प्रगोशनी रह सके, तो वहीं पे जो है ना अपने वो बच्चे दे, इसके लिए थोड़ा सा ना इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में एक जूती वाला डब्बा होता है जिसमें शूज़ होते हैं, तो वो रहते हैं ना उसमें जो है ना वो कुछ घास फूस वगैरह रख दूँ, या तूड़ी रख दूँ, या फिर वो लकड़ी का बोरा होता है वो रख दूँ, वो उसी बॉक्स में रहे, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इस वाले जो है ना नीचे वाला खाना है ना इसमें, तो इसी के साथ ही हमारी वीडियो का एंड होता है। बकाया ब्लॉग खाली का खुद से बनाएगा अगला ब्लॉग जो होगा, तो अभी जो है ना मैं कहीं काम जा रहा हूँ, तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आज तक पहुँच सके। तो इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।